अ वेरी गुड मॉर्निंग और इस वक्त हम लोग मैसूर में हैं. तो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन मैसूर. द ट्रेन वॉज अ लिटिल डिलेड, सो वी स्टार्टेड एट 6:45 और हम 3 घंटे में मैसूर पहुँच गए. और मेरे साथ एक कबीर whom I have met through Couchsurfing. Couchsurfing is an app जहाँ पे आप दूसरे ट्रैवलर्स से मिल सकते हो एंड यू कैन होस्ट और सर्फ विद देम. ऑल्सो आप उनके साथ ट्रैवल भी कर सकते हो. स्टेशन से उतरकर हमने ऑटो किया टू गो टू द मैसूर बाइक रेंटल्स, जहां से हम एक एक्टिवा रेंट करने वाले थे. वी आर रेंटिंग आउट अ बाइक राइट नाउ. दिस प्लेस इज मैसूर बाइक रेंटल्स. आई विल गिव द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वी हैव गॉट द हेलमेट गाइस और इन्होंने हमें चार्ज किया है फॉर वन डे 12 hours. They are charging us 200 rupees, so we are taking it for 3 days, and yes, we are going to pay 600 rupees. So, जैसे आपको कभी भी कोई रेंट ट्रिप में कोई व्हीकल मिलता है तो उसमें फ्यूल नहीं होता है, so it's time to fuel up. हम जॉस्टल में पहुंच गए. दिस इज द जॉस्टल मैसूरू. जॉस्टल मैसूरू स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर वाल्मीकि रोड पे एक बहुत ही पीसफुल लोकेशन पे है. और यहाँ पे आप जैसे ही एंटर करोगे यू विल बी वेलकम्ड विद दिस ब्यूटीफुल सोल कॉल्ड सिम्बा. यहाँ का आउटडोर एरिया भी बहुत ही कोजी एंड पॉजिटिव है. इसके अलावा यहाँ पे आपको सारे डॉर्म्स मिलेंगे, मेल फीमेल एंड मिक्स डॉर्म्स, स्टार्टिंग विद 500 रुपीज पर डे. हाय गाइस, सो आई एम जस्ट आउटसाइड द माइलारी होटल. सो दिस इज अ वेरी गुड प्लेस फॉर ब्रेकफास्ट, सो वी आर गोइंग टू गो एंड चेक आउट द फूड आइटम्स हियर. Hi Kabir. Hi. Are you hungry? Yes, I am. The butter extra. खाना आ चुका है गाइज और बहुत ही टेस्टी लग रहा है. दिस इज ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड. सांभर है. सो यू कैन सी सम वाइट बटर मोल. एंड दिस डोसा एंड समवन इज हैप्पी. Yes, I am. So we are really hungry because हमने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है. So let's dig in. And everything is almost over. There's just one more extra dosa which Kabir has ordered, and we are going to share it. So the food was really good. और यहाँ का जो डोसा था वो काफ़ी different था. I am also from south, so I have tasted many different types of dosas, but the dosa here was really different. Looks entirely different than what it tastes. It looks like a chutney inside. Yeah. It's green in color, so you feel as if it's, you know, it's gonna be spicy, but it is not. It is actually aloo, and some you cannot define it how it is because you've never had it before. Yeah. Later. अभी हम लोग just Mailari Hotel से बाहर निकले हैं, and we are planning to go to the Mysore Palace. Kabir is buying some sweets. ताजमहल के बाद द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन इन इंडिया इज द मैसूर पैलेस. यहाँ पे द किंग्स ऑफ मैसूर यूज्ड टू स्टे. और मैसूर को इसीलिए द सिटी ऑफ पैलेसेस कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको 7 पैलेसेस देखने को मिलेंगे, बट द मैसूर पैलेस स्टैंड्स आउट. हम मैसूर पैलेस पहुंच चुके हैं और हमने जस्ट अभी व्हीकल पार्क किया है एंड वी आर टेकिंग द एंट्री टिकट फॉर द पैलेस. बाइक 50. इस पैलेस का कंस्ट्रक्शन 1912 में कंप्लीट हुआ था और इसका आर्किटेक्चर
बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे ही आप इस पैलेस को एंटर करते हो, यू विल गेट अ फीलिंग ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर एंड इट्स कल्चर और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में काफ़ी कुछ देखने और सीखने को मिलता है। आपको अपना फुटवेयर यहाँ पे रखना है और फिर आप अभी एंटर करोगे मैसूर पैलेस। स्पेशलिटी हियर एंड दे हैव मैनी आउटलेट्स बट दिस इज लाइक द ओरिजिनल वन हियर विच इज इन अकबर रोड। सो वी आर गोना ट्राई द मटन बिरयानी हियर एंड इफ यू आर इन मैसूर यू शुड ऑल्सो कम हियर। सो आई लेट यू नो, मैं खा के बताऊँगी आपको कि कैसा था खाना। Kabir, are you excited? A lot. Yes. So the biryani was a bit salty, but the taste was good. It was a proper mutton pulao. And since the rice was more, we are getting it packed. And the steward is getting it packed. What's your name? Appa naam hero. Chandru. Chandru is getting it packed. So yeah. And it was quite tasty and probably gonna come again tomorrow or day after for leaving. Yeah. Cheers. मैसूर इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स फ्रेश सी फूड और आपको काफ़ी सारे स्टॉल्स दिखेंगे जहाँ पे आपको फ्रेश फिशेस खाने को मिलेंगे। सो अनदर मस्ट ट्राई वेन इन मैसूर। तो ये था हमारा पहला दिन एक्सप्लोरिंग मैसूर।
स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस जहां पे हम कुछ और प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे. टिल देन इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.